ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बस कुछ ही देर बाकी है जिसके बाद में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, वोटिंग शुरू हो जाएगी और देश के कई राज्यों में 12 राज्यों की 94 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसके अलावा अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये 10 की 10 सीटें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी का कब्जा है। हालांकि बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो जो बाकी विपक्षी पार्टियों का गढ़ जिन सीटों को कहा जाता है वहां से जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो तीसरा चरण है और लोकसभा की 10 सीटें हैं, कुल 100 प्रत्याशी हैं यहाँ पर और हम आपको दिखा रहे हैं कि करोड़पति कितने हैं, 46 ऐसे हैं, आपराधिक मामले भी कितने हैं, स्नातक और अनपढ़ 52 स्नातक हैं, 2 अनपढ़ प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। इसमें तीसरे चरण में कितनी विविधता है वो आप देखिए, कुल वोटर 1.89 करोड़ है, पुरुष 1.01 और महिलाएं 97.78% है। पोलिंग सेंटर जो बनाए हैं 12,339 पोलिंग सेंटर है, पोलिंग बूथ 20,415 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।